उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी नीम करोरी स्टेशन पर आज स्पेशल ट्रेन द्वारा उतरे, साथ में उनकी पत्नी एवं डीआरएम प्रयागराज मोहित चंद, डीएजीए मनु प्रकाश दुबे, सीनियर डीसीएम अंशु पांडे, सीनियर डीएससी मनोज कुमार सिंह तथा रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रेन लगभग 11:38 पर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर उतरने के बाद कारों के काफिले से नीम करौरी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। वहां पर मंदिर के पुजारी भानु प्रकाश एवं रामलखन वाजपेयी ने उन्हें मंदिर में पूरी पूजा अर्चना करवाई। इसके पश्चात पुजारी जी के माध्यम से गांव वालों ने नीम करौरी गांव में रेलवे अंडर पास बनवाने की मांग की और कुछ व्यापारियों ने रैक पॉइंट बनवाने की मांग की। महाप्रबंधक ने बताया कि कुछ समय बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी एवं उस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नीम करौरी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण किया जाएगा एवं कालिंद्री एक्सप्रेस के ठहराव की लोगों ने मांग की।